हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स जो इतने फिट लगते हैं, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, इतने सारे मॉडल्स, इनकी एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट प्रॉब्लम्स या कई सारे रीजंस की वजह से एकदम से डेथ क्यों हो रही है? ऐसा ये लोग क्या ले रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है जिस वजह से ये इतनी यंग एज में सडन डेथ के शिकार हो रहे हैं? तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को डिफेम करना नहीं, कुछ स्पेक्युलेट करना नहीं कि कौन क्या ले रहा है, एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू देना है कि इतनी क्लीन कट और इतनी अच्छी बॉडी के होने के बाद भी इनकी डेथ एकदम से इतनी यंग एज पे क्यों हो रही है। इसमें खाली मैं बॉलीवुड एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारे फॉरन एथलीट्स और फॉरन बॉडी बिल्डर्स हैं, रिच पियाना हो गया, डैलस मकार्वर हो गया, इतने सारे फेमस लोग हैं जिनकी सडन डेथ हो रही है। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है? और अगर है तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन सबकी एकदम से डेथ हो जाती है? तो सबसे पहला बात जो हम एड्रेस करेंगे, द एलिफेंट इन द रूम, वो है स्टीरॉयड यूज। ऑब्वियसली एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, ऑब्वियसली 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 इनमें से 99% लोग एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स तो हमारे जिम में भी बहुत लोग यूज करते हैं, हमारा ट्रेनर इतने सालों से यूज कर रहा है, बहुत लोग कहते हैं उन्होंने 8 साइकिल चला ली, 10 साइकिल चला ली, कुछ नहीं हुआ, आपके सामने फिट और हेल्दी घूम रहे हैं, और कई लोग इतने सारे जो स्टीरॉयड्स भर चुके हैं 70-80 साल की उम्र में जाके मरते हैं। तो क्या कारण है कि कुछ लोग स्टीरॉयड यूज से मर जाते हैं और कुछ लोग नहीं मरते, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो सबसे सिंपल सीधी बात यह है कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो है डायरेक्टली अक्यूट यानी एकदम से जो मौत होती है उसका कारण रेयरली कभी होते हैं, बहुत कम चांस है कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज की वजह से ये चीज इमीडिएट जो होती है वो हुई। ये इसके पीछे वजह होती है, पॉलीफार्मेसी बोलते हैं, एक टर्म है मेडिसिन में, पॉलीफार्मेसी, इसका मतलब है एक नहीं कई सारी चीजें, कई सारे कंपाउंड्स और दवाइयां एक साथ लेना। आपको यह समझना पड़ेगा, जिन लोग को आप जिम में देखते हैं वो खाली स्टीरॉइड्स लेते हैं, चाहे टेस्ट हो, ट्रेन हो, डेका हो, 10 तरह के कंपाउंड हो, लेकिन वो खाली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स पे ही स्टिक करते हैं। जो ये हमारे एक्टर्स और मॉडल्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये पेपर थिन स्किन, वैस्कुलैरिटी, एक कट और एक लीन लुक इतनी ज्यादा बल्क होने के बाद लाने के लिए बहुत सारी चीजें एड ऑन करते हैं। तो इस वीडियो को हम अक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड करेंगे। अक्यूट यानी सडन डेथ के क्या कॉजेज होते हैं, एकदम से जो मौत आती है, और क्रॉनिक जो मतलब धीरे धीरे इकट्ठे होने वाले कॉजेज होते हैं जिनमें लेट आपको इफेक्ट दिखते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, कौन सी ड्रग से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और पॉलीफार्मेसी में क्या क्या इंक्लूडेड है उस बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें एक बहुत बहुत कॉमन ड्रग यूज होती है जिसको हम बोलते हैं डायोरेटिक्स। लैसिक्स का नाम सुना होगा आपने, फिरोसमाइड का नाम सुना होगा, ये सारी हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के इलाज के लिए दी जाने वाली डायोरेटिक्स हैं जो पानी शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इनका काम होता है पानी को इवैक्यूएट करना बॉडी से। तो पानी जब निकल जाता है तो स्किन पेपर थिन हो जाती है, सारी वेन्स दिखने लगती हैं, अच्छी लुक फाइबर्स की, मसल्स की कट आती है। तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं और एक्टर्स होते हैं वो शूट से पहले इसका मिसयूज करते हैं, पानी अपना शरीर से फ्लश कर देते हैं और एकदम कट और थिन लुक जरूर ले आते हैं, लेकिन जो डोजेस वो यूज कर रहे हैं इस काम के लिए, पहली चीज तो ये ड्रग इस काम के लिए बनी ही नहीं है, वो बनी है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर जिन लोग को पेशाब नहीं आता उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और ये पोटेशियम नाम का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रिदम मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लूप डायोरेटिक्स में आता है फिरोसमाइड, और लैसिक्स आता है नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स में। तो ये आपकी बॉडी से पोटेशियम सारा बाहर कर देते हैं। जब हम हॉस्पिटल में भी देते हैं तो 4 आवरली चार्टिंग होती है सर इलेक्ट्रोलाइट्स की, और चेक करा जाता है बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम है तो ऊपर आईवी लाइन से इंजेक्शन के थ्रू पोटेशियम दिया जाता है इसके साथ। और ये तब है जब हम लैसिक्स बहुत लो डोज में और फिरोसमाइड लो डोज में दे रहे होते हैं। जो डोजेस ये लोग लेते हैं और मेरे को पता चलती हैं, जो सुनने में आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है सुन के सर, इतनी हाई डोजेस डायूरेटिक्स की, इनसे क्या होगा, सारा बॉडी का पानी, सारा बॉडी का पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, आप ऊपर से मेंटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं पता ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं, आपके ट्रेनर आपके गुरुजी ने बोल दिया ये ले लो, शूट से 10 दिन पहले लेना शुरू कर दो, पानी पीना कम कर दो, एकदम पेपर थिन स्किन हो जाएगी, एकदम कट लुक मिलेगा, वो जरूर मिलेगा,
लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान होने वाले हैं वो उनको नहीं पता है। तो एकदम से पोटेशियम इम्बैलेंस की वजह से आपके हार्ट की रिदम खराब हो सकती है, आपको हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ सकता है, और इतने सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ यही हादसा होता है जिसकी वजह से वो शो के बीच में बेहोश होकर गिर जाते हैं। आपको चलते फिरते देखेंगे, जिम मार के आएंगे, ठीक से बात कर रहे होंगे, लेकिन एकदम से सिंकोपी नाम की एक चीज होती है, सिंकोपल अटैक पड़ता है उनको, वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है। तो एक कारण तो है डायूरेटिक्स, ये अक्यूट में आता है। उसके बाद अगले कारण पर चलते हैं, अगला कारण है इंसुलिन। कई सारे बॉडी बिल्डर्स जो है इंसुलिन का यूज करते हैं। आपको इंसुलिन कैसे यूज होती है बॉडी बिल्डिंग में उसके बारे में जानना है तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है इंसुलिन पे, उसको जरूर देखें। लेकिन इन शॉर्ट मैं बताता हूं आपको, इंसुलिन जो लोग सोने से पहले लेते हैं, आप 8 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं सोने के लिए, आप जब सो रहे हैं आप खाना नहीं खा रहे हैं और आपने इंसुलिन ले ली सोने से पहले, तो आपका ब्लड शुगर का चांस इतना लो होने का होता है कि आप नींद में निकल सकते हैं। तो काफी सारे बॉडी बिल्डर्स जो नींद में अपनी जान गवा बैठते हैं उसके पीछे कारण कई बार इंसुलिन भी होता है। अगले नंबर पे आता है क्लेनब्यूटरॉल। अब कई सारे बॉडी बिल्डर्स कट के लिए क्लेनब्यूटरॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लेनब्यूटरॉल पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। क्लेनब्यूटरॉल एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है जो एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, और ये बीटा 2 एग्निस्ट है, यानी कि आपके हार्ट को भी इफेक्ट करती है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देगी, आपके हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होती है। क्लेनब्यूटरॉल जिन लोगों ने लिया है उनको पता है कि कितना ज्यादा आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, और एकदम से आप कार्डियक अटैक के शिकार बन सकते हैं अगर आप क्लेनब्यूटरॉल ले रहे हैं। अगला कॉज आता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि एक अनस्टेबल प्लाक ओवरऑल, मतलब आप स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल खराब है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, तो आपकी खून की नालियों में प्लाक बन जाती है। वो प्लाक जब तक स्टेबल है तब तक वो इतना नुकसान नहीं करती है, वो सिर्फ आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी या फिर आपके जो आपकी आर्टरी का डायमीटर है उसको कम करेगी। लेकिन अगर वो प्लाक अनस्टेबल हो जाती है तो वहां से टूट के हार्ट की ब्लड वेसल्स में फंस सकती है, जिसकी वजह से अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड यूज, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड डायट्री हैबिट्स, स्मोकिंग, ये सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंक्रीज प्लाक को, और वो प्लाक अगर टूट के दिमाग में फंस जाए तो लकवा मार जाता है, हार्ट में फंस जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक आ जाता है, और इसकी वजह से भी सडन डेथ कई लोगों की होती है। कई सारे लोग होते हैं जो एरिथ्रोपोएटिन लेते हैं या नॉर्मल स्टीरॉयड्स लेते हैं, उसकी वजह से उनकी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की काउंट बढ़ जाती है। बहुत लोग को लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, हमारे बॉडी में मसल्स को और ऑक्सीजन मिल रही है, रनर स्पेशली एरिथ्रोपोएटिन लेते हैं इस चीज के लिए, तो एक लिमिट तक ये अच्छी चीज है। बोल्डिनोन जैसे स्टीरॉयड्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन इवन, ये आपकी आरबीसी काउंट बढ़ा देते हैं, और एक पॉइंट के बाद आपका खून कैसा है, पानी जैसा है, उसमें 10 तरह की चीजें मिल रही हैं। अगर आप पानी में चीनी मिलाते जाएंगे एक पॉइंट के बाद वो चीनी डिसॉल्व नहीं होगी। उसी तरह खून की भी एक कैपेसिटी होती है रेड ब्लड सेल्स को सैचुरेट होने की, वहां तक वो कैरी कर सकता है। अगर 5-5.5 लाख से ऊपर काउंट जा रही है तो आपका खून थिक हो जाता है, वो फंसना शुरू कर देता है। उस वजह से भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी जो बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकती है अगर वो मोबिलाइज हो गया थ्रोम्बस, और बहुत सारी चीजें, आप खुद सोचिए आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो उसका फ्लो करना मुश्किल हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें अक्यूट डेथ में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इसका प्रोटेक्टिव क्या क्या प्रोटेक्शन ली जा सकती है जो आई बिलीव ये लोग नहीं ले रहे थे, या फिर ले रहे थे तो तरीके से नहीं ले रहे थे, किसी डॉक्टर से नहीं इवेलुएट करा रहे थे, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स और शेफ्स और ये सारी चीजें जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक ट्रेंड इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर, इन सारी चीजों को ये अवॉइड कर रहे थे। एक ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक एकोकार्डियोग्राफी नाम के टेस्ट आते हैं, दोनों नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, इसमें कोई रेडिएशन का इतना कोई खतरा नहीं है। इसको अगर हर 6 महीने में करा लिया जाए तो आपको क्लूज जरूर मिलते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट भी नहीं है, और इनकी रिपोर्ट देख के आपको कोई भी इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर बता देगा कि हाँ सर ये दिक्कत लग रही है, अगर पोटेशियम बॉडी में ज्यादा है, टॉल टी वेव्स आ रही हैं, 10 तरह के चेंजेस होते हैं ECG में, उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ECG एकोकार्डियोग्राफी आपको हार्ट की हेल्थ के बारे में सब कुछ बता देंगे ऑलमोस्ट, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका इलाज अर्ली शुरू करने पे एक अर्ली और सडन डेथ अवॉइड की जा सके। दूसरा जो टेस्ट बहुत जरूरी मानता हूं मैं, वो है लिपिड प्रोफाइल, आपकी बॉडी में कितना LDL कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कितना HDL कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कराते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि ये दिक्कत आने का चांस है, मेरी आर्टरीज में प्लाक बनने का चांस है, तो आप उस हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे, अपने कंपाउंड्स को मॉडिफाई करेंगे, अपनी मेडिकेशंस को मॉडिफाई करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे,
और अर्ली डेथ को अवॉइड कर पाए। तो मेन कारण जो मेन मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, ये सडन डेथ स्टीरॉयड यूज की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टीरॉयड यूज की वजह से ही हो रही हो। स्टीरॉयड यूज इमीडिएटली इतना डेंजर में नहीं डालता है आदमी को। पॉलीफार्मेसी, मल्टीपल ड्रग यूज, डायूरेटिक्स का यूज, इंसुलिन का यूज, AMP का यूज, ATP का यूज, DNP का यूज, ये सारी चीजें आपको दिक्कत देती हैं जो सडन डेथ एकदम से होने वाली मौत कॉज कर सकती है। और अगला जो क्रॉनिक वाला पार्ट है वीडियो का, वो उसमें मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा जो क्रॉनिक यूज होता है स्टीरॉइड्स का, साइड इफेक्ट्स मैं हर इंडिविजुअल कंपाउंड की वीडियो में बताता हूँ। ब्रीफ में तीन मोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डिप्रेशन। ये एक विशियस साइकिल है जो चलती रहती है। धीरे धीरे हार्ट भी मसल है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो खून पंप करता है आपके शरीर में, तो वो भी बढ़ जाता है स्टीरॉयड लेने से। और LVH रिवर्सिबल नहीं है, एक डिग्री के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो बढ़ गया तो वो जिंदगी भर बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर जिंदगी भर हाई रहता है और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं, लेकिन वो समय लेती है अपना इफेक्ट दिखाने में। कई बार आप चलते जाएंगे 10 साल 20 साल बिना किसी इवेंट के और एकदम से इवेंट आएगा। इसीलिए मैंने बोला रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी। क्रॉनिक किडनी डिजीज भी एक ऐसी ही चीज है, किडनी जब तक आपकी 70% डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आता। 70% डैमेज होने के बाद पेशाब में खून, पेशाब झाग बनता है, उसमें जब प्रोटीन आने लगता है पेशाब में तब आपको मालूम पड़ता है कि किडनी में कोई डैमेज भी है। तो जब तक आपकी किडनी 70% डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपकी बॉडी आपको सिग्नल ही नहीं देती मोस्टली कि कोई किडनी में दिक्कत है, इतनी पावरफुल है आपकी किडनी। तो रेगुलर बेसिस पे एक किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT कराते रहना भी एक अच्छा आइडिया है अगर कोई इन कंपाउंड्स को यूज कर रहा है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, यूज प्रमोट नहीं कर रहा इन कंपाउंड्स का, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पॉइंट से है। बट अगर कोई यूज कर रहा है तो ये सारे टेस्ट और अपने डॉक्टर का कंसल्ट करके ही यूज करा जाए, तभी बेहतर है, अदरवाइज इनको यूज ना करें। और पोस्ट साइकिल डिप्रेशन के बारे में तो हम सारे जानते ही हैं, आप अपने हार्मोन्स को एकदम सुपर फिजियोलॉजिकल लेवल पे ले आते हैं, ऑन साइकिल आपको सुपरमैन जैसी फीलिंग आती है, लेकिन जब आप कंपाउंड्स छोड़ते हैं तो वो इतने नीचे गिर जाते हैं कि वो नॉर्मल बेसलाइन वैल्यू से भी नीचे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से कई लोगों को डिप्रेशन भी फेस करना पड़ता है, कई लोग सुसाइडल हो जाते हैं, ये भी एक मौत का कारण बन जाता है। तो स्टीरॉयड्स यूज करना एक लाइफस्टाइल चॉइस है और इसको बहुत ध्यान से सोच समझ के सारी चीजें समझने के बाद ही यूज करना चाहिए और एक डॉक्टर की सुपरविजन और एडवाइस के बाद ही यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर पॉलीफार्मेसी करी जा रही है तो वो बहुत डेंजरस है। स्टीरॉइड्स इनफ हैं, अगर आपका करियर एक्टिंग और मॉडलिंग पे डिपेंड करता है तो भी मैं नहीं कहूंगा कि अपने शरीर को पॉलीफार्मेसी का शिकार बनाएं। स्टीरॉइड्स के साथ 10 तरह की चीजें बिना उनका इफेक्ट जाने, बिना उनकी लिटरेचर पढ़े, बिना उनकी नॉलेज होए उनको यूज करना, अपने शरीर में डालना एक बहुत बड़ा खतरा है। प्लीज डोंट प्ले गॉड विद योर बॉडी। एक डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके ही डॉक्टर इसलिए बनता है, 10 साल लग जाते हैं सर एक प्रॉपर डॉक्टर को एस्टैब्लिश होने में। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 10 तरह की ड्रग्स 10 तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपके शरीर के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इन कंपाउंड्स को यूज करा जाता है। आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया हो। मैं डायरेक्टली नहीं किसी का नाम लूंगा बट आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। और बाहर तो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी दिखती हैं, यहाँ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स यानी मरने के बाद जो जांचें होती हैं कॉज ऑफ डेथ के लिए, उनमें बहुत क्लियरली इन सारे बॉडी बिल्डर्स के ऑर्गन्स बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, उनका पोटेशियम कई बार कम होता है, शरीर में डायूरेटिक्स मिलते हैं, शरीर में कितनी सारी चीज़ों के ट्रेसेस मिलते हैं, ड्रग्स के, इंसुलिन वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। और यही कारण है मोस्टली कि हमारे देश के यंग बॉडी बिल्डर्स मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं बिना इंफॉर्मेशन के, वो ड्रग्स ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ये सारे लोगों के दिमाग में जो डाउट आ रहा है उसको क्लियर करें। और टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।